Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Desai Institute of Biology. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे human reproductive system. So in human reproductive system में पहले तो बहुत सारे terminology है, जैसे है gametogenesis. Gametogenesis का मतलब क्या है? Formation of the gametes means if it is takes place in the female, then it is known as oogenesis. अगर वो male में हो रहा है तो उसको बोलते हैं spermatogenesis. फिर है insemination. Insemination का मतलब क्या है? Transfer of sperm into the female reproductive tract is known as the insemination. Fertilization है. Fertilization का मतलब क्या है? Fusion of the male and female gametes is known as the fertilization. फिर है implantation. Implantation का मतलब क्या है? कि जैसे ही zygote form होता है, वो zygote divide होके blastocyst में convert होता है, और वो blastocyst जब uterine wall के साथ attach होता है, उसको बोलते हैं implantation. जेस्टेशनल पीरियड का मतलब है इट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो ह्यूमन में 9 मंथ होता है. पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी ऑफ द बेबी मींस इट इज द बेबी बर्थ. ओके सो दिस इज ऑल आर द टर्म व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ उसके बाद है फर्स्ट पॉइंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले तो कहाँ होता है? सो लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. मेनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड द पैर ऑफ टेस्टिस, फिर है एसेसरी डक्ट बोलते हैं जिसको, फिर है एक्सटर्नल जेनिटालिया जिसमें पेनिस आता है. टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस एक्चुअली इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है. कहाँ होता है? स्क्रॉटम बैग में होता है. और ये स्क्रॉटम बैग का काम क्या है? दैट स्क्रॉटम बैग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस. टेम्परेचर मेंटेन करता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस. बिकॉज फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस इट रिक्वायर 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर देन दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. सो ये जो स्क्रॉटम बैग है वो क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कम करता है. उसके अंदर डार्टस मसल्स होते हैं. ओके नाउ टेस्टिस की बात करते हैं तो उसका शेप ओवल शेप है, लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर. ईच टेस्टिस अगर आप देखो तो टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 to 3 सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. 1 or 3 सेमिनीफेरस हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं. ये सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में मेनली 2 टाइप के सेल होते हैं. एक है जर्मिनल एपिथेलियल सेल और दूसरा है सर्टोली सेल. जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं वो अंडरगोइंग द मियोटिक डिवीजन एंड इट विल प्रोड्यूस द स्पर्म. और जो सर्टोली सेल है दे आर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल. और दूसरी एक चीज कि ये जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. और वो इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल होते हैं जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल. दिस इंटरस्टिशियल सेल इज ऑल्सो नोन एज द लीडिंग सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस एंड द सिक्रेशन ऑफ द टेस्टिकुलर हॉर्मोन एंड इट इज नोन एज एंड्रोजन्स और इट इज नोन एज द टेस्टोस्टेरॉन. ओके सो नाउ ये हो गया पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट की बात करते हैं. तो एसेसरी डक्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो उसमें होता है रेटे टेस्टिस होता है, फिर वाजा डिफरेंशिया होता है, फिर एपिडाइडिमस होता है, फिर वाजा डिफरेंशिया होता है. सो रेटे टेस्टिस किसको बोलते हैं? कि जैसे अगर हम टेस्टिस की बात करें और टेस्टिस में से जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो सारे कलेक्ट होकर एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम रेटे टेस्टिस बोलते हैं. वो रेटे टेस्टिस ओपन होता है वाजा इफ्रेंशिया में. वाजा इफ्रेंशिया इट इज बिटवीन द रेटे टेस्टिस एंड एपिडाइडिमस. उसमें इमैच्योर स्पर्म सेल होता है क्योंकि मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल टेक्स प्लेस इन द एपिडीडाइमस. के एपिडीडाइमस इज द 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इट इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर और उसमें स्पर्म गेट मैच्योर और आफ्टर दैट द स्पर्म एंटर इन टू द वास डेफरेंस. और वास डेफरेंस जो होता है दे आर फ्रॉम द लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से वो लूप बनाता है और फिर बाद में उसमें सेमिनल वेसिकल्स ओपन होता है. उसके बाद इजेक्यूलेटेड डक्ट होता है. फिर उसके बाद यूरेथ्रा होता है. तो यूरेथ्रा जो है वो पेनिस में जाता है. पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटालिया भी बोल सकते हैं, मेल में स्पेशलाइज टिश्यू है उसको इरेक्टाइल मसल भी बोल सकते हैं. पेनिस में आगे जो स्वॉलन पार्ट होता है उसको हम ग्लैंड्स ऑफ पेनिस बोलते हैं. और होल पेनिस इज कवर्ड बाय द 4 स्किन. अब मेल एसेसरी ग्लैंड, तो देयर आर 3 मेल एसेसरी ग्लैंड. सेमिनल वेसिकल्स पैड में होता है, बल्बो यूरेथ्रल भी पैड में होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है. जो सेमिनल वेसिकल्स हैं वो क्या करते हैं? तो सेमिनल वेसिकल्स एक्चुअली
जो फ्लूइड होता है वो वाइट फ्लूइड होता है और उसमें फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, कैल्शियम भी होता है और बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं, मेनली उसमें विटामिन सी भी होता है, दे आर प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू स्पर्म। और बल्बो यूरेथ्रल जो ग्लैंड है उसमें लुब्रिकेशन के लिए अल्कलाइन फ्लूइड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म। अब ये फ्रुक्टोज की हम बात करते हैं तो फ्रुक्टोज ओनली मेल फ्लूइड में ही होता है, वो कभी फीमेल में होता नहीं है। दैट्स वाई अगर फीमेल के ऊपर रेप हुआ है या फिर फीमेल कंसीव है कि नहीं वो जानना हो तो विद इन 24 आवर्स आफ्टर सेक्स के अगर हम फीमेल के वजाइनल फ्लूइड में से अगर हम सैंपल ले, इफ इट पजेस द फ्रुक्टोज देन वी कैन से दैट कि फीमेल मे बी रेप्ड और कंसीव। फिर उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है, तो उसमें है एक पैर ऑफ ओवरी, फिर ओविडक्ट, फिर यूट्रस, फिर सर्विक्स है, वजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटालिया है, दिस आर द मेन पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। और ये मेमोरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, तो दिस मेमोरी ग्लैंड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर the preparation and the secretion of the milk, it will provide the nutrition to the baby. Main function क्या है female reproductive system का, तो वो है सब help in fertilization, pregnancy and the childbirth में help करता है। ओके, अब female reproductive system को हम डिटेल में देखते हैं। जैसे first part है ovary, ovary is primary sex organ, और ovary कहाँ पर होता है, so ovary is present in the lower abdomen। दो ओवरी होते हैं, आलमंड शेप होता है उसमें, उसमें स्टीरॉयडल हार्मोन भी होते हैं और वो ओवम भी सिक्रेट करता है। अब ओवरी जो है इट इज कनेक्टेड विद द वॉल, पेल्विक वॉल में, और यूट्रस के साथ लिगामेंट से वो कनेक्टेड होता है। ओवरी का दो पार्ट है, अगर बाहर का जो पेरिफेरल पार्ट है उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर जो पार्ट है उसको हम मेड्यूला बोलते हैं। ओवरी में ग्राफिन फॉलिकल फॉर्म होता है जो एस्ट्रोजन रिलीज करता है और कार्फिन फॉलिकल रप्चर होके कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है और वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक, अब ओविडक्ट की बात करते हैं, तो ओविडक्ट है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ओवरी से निकल के, मीन्स ओवरी के साथ कनेक्ट नहीं होता पर ओवरी से स्टार्ट होके वो यूटेरस तक कनेक्ट होता है। और जो फर्स्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का वो फनेल शेप्ड होता है जिसको हम इन्फंडिबुलम बोलते हैं, और इन्फंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फिम्ब्रिया बोलते हैं, विच इज हेल्प फॉर कलेक्ट द एग व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। फिर एक स्वॉलन पार्ट होता है जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, और जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का यूट्रस के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम इस्थमस बोलते हैं। ओके, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, फैलोपियन ट्यूब का मेन काम क्या है, तो ट्रांसफर द एग और फर्टिलाइजेशन। फिर यूट्रस की बात करते हैं, तो यूट्रस जो है वो सिंगल होता है और उसको हम वॉम्ब भी बोल सकते हैं। ओके, और वो इन्वर्टेड पीयर शेप का है, लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, ये जो यूट्रस होता है वो पेल्विक वॉल के साथ लिगामेंट से कनेक्टेड होता है। यूट्रस और वजाइना के बीच में माउथ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। यूट्रस का काम क्या है, तो यूट्रस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो, एंड सेकेंड थिंग जो इनर मोस्ट वॉल होता है यूट्रस का जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो साइक्लिक चेंजेस करता है और जिसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। मेनली यूट्रस वॉल है उसके तीन पार्ट हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये जो पेरीमेट्रियम है वो एक्सटर्नल सबसे बाहर है, मायोमेट्रियम मिडल पार्ट है वो ठीक होता है और वो स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। जो बेबी बर्थ के टाइम पे पार्चुरेशन के टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और इट इज़ हेल्प इन द पार्चुरेशन। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर होता है, ग्लैंडुलर होता है और अंडरगोइंग द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो रप्चर हो जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे रिफॉर्म होता है ड्यूरिंग द एवरी साइकिल्स। फिर उसके बाद कहते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटालिया में जो पार्ट है दैट इज द मॉन्स प्यूबिस हैं, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, हाइमेन एंड द क्लिटोरिस। के जो मॉन्स प्यूबिस एक्चुअली इट इज प्रेजेंट अबो द वजाइनल एंड द यूरेथ्रल ओरिफिस के ऊपर होता है। लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा क्या है, तो दे आर द स्किन फोल्ड और इट इज अ फ्लैशी टिश्यू विच कवर्ड द
वजाइनल एंड द यूरेथ्रल ओरिफाइस को वो कवर करता है, और मेनली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वजाइनल ओरिफिस एंड द यूरेथ्रल ओरिफिस। फिर है क्लिटोरिस, वो कहाँ होता है, तो लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे क्लिटोरिस होता है, और उसका काम क्या है कि क्लिटोरिस इट इज होमोलोगस टू पेनिस, वो पेनिस के जैसा ही होता है, जैसे मेल में इरेक्टाइल ऑर्गन है वैसे ही फीमेल में क्लिटोरिस होता है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन। हाइमेन का काम क्या है, तो हाइमेन एक्चुअली जो वजाइनल ओपनिंग में होता है, और हाइमेन ऐसा माना जाता है कि हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्शुअल इंटरकोर्स, बट इट इज़ नॉट ट्रू, इट मे बी टॉर्न ड्यू टू वजाइनल टेम्पनिंग ड्यू टू एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के, और कई बार वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान भी टूट जाता है, और कई बार आफ्टर सेक्शुअल इंटरकोर्स भी वो नहीं टूटता है। सो उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाइमेन इज द साइन ऑफ वर्जिनिटी, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल जेनिटालिया। फिर उसके बाद है मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड क्या है, तो मेमोरी ग्लैंड एक्चुअली इट इज़ द पैड स्ट्रक्चर। मेमोरी ग्लैंड है वो दोनों में होता है, मेल और फीमेल, बट इट इज ओनली फंक्शनल इन द फीमेल, मेल में वो सिर्फ नाम के लिए होता है। ईच मेमोरी ग्लैंड हैज़ 15 to 20 मेमोरी लॉब। इट पजेस द क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई। अभी एल्वियोलाई का काम क्या है, तो एल्वियोलाई इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड द स्टोरेज ऑफ मिल्क। ओके, फिर वहाँ से मिल्क जो सीक्रेट होता है वो कहाँ जाता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट में से वो जाएगा मेमोरी एम्प्यूलाई, और उसमें से लैक्टिफेरस डक्ट। व्हेन द बेबी शक दिस मेमोरी लैक्टिफेरस डक्ट, निप्पल को जब बेबी शक करेगा तब वो मिल्क जाएगा बेबीज में, और वो क्या करता है, इट हेल्प दी हेल्प टू नरिश द चाइल्ड, ओके, ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो बच्चों आज हमने जो ये देखा मेमोरी ग्लैंड तक, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपलोड करूंगा, उसमें हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड द फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।